दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस समय रणवीर बहुत ज्यादा हैरान है कि आखिरकार प्राची पुलिस को कैसे ला सकती है इस घर में। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों प्राची पुलिस को लेकर रणवीर के घर पहुंच चुकी है खुशी को लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों इधर प्राची ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं हमेशा बुरी चीज के खिलाफ आवाज़ उठाती थी, आवाज़ उठाती रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और यही एक रियलिटी है कि प्राची को पसंद ना करने की वजह यही सामने आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी एक नया दिलचस्प मोड़ लेकर आ चुकी है, जहाँ पर इस समय कहीं ना कहीं प्राची की बात की जाए तो प्राची की मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आने वाली हैं। और प्राची की मुश्किलें क्यों बढ़ेंगी ये बात आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रणवीर साफ साफ बोलता हुआ नजर आएगा कि प्राची अभी तक तो मैं तुम्हें माफ कर रहा था तुम्हारी हर गलती को, लेकिन अब मुझ में इतना अच्छा संघर्ष नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर पाऊँ, और तुम खुद की गलती खुद ही देख लेना जब तुम इस घर से हमेशा हमेशा के लिए 9-2-11 हो जाओगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साफ साफ धमकी दे रहा है इस समय रणवीर। रणवीर ने बोल दिया है कि मैं अपनी बिटिया यानी खुशी को किसी भी सूरत में किसी के हवाले नहीं करने वाला। और दोस्तों ये एक रियलिटी है कि वो खुशी को किसी भी सूरत में प्राची को तो नहीं देगा, इतना तो उसका कंफर्म है दोस्तों, क्योंकि उसने पहले भी बोल दिया था कि उसके बदले चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं प्राची से हार नहीं मानी थी और ना ही मैं कभी हार मान सकता। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्तों। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक नया मोड़ ला चुकी है, जहाँ आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय सभी लोग प्राची के खिलाफ जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो पुलिस को लेकर आई है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल ऑफ यू।